हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर है 8वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है। मैटर हमेशा दो तरीके से बिहेव करता है, आपका पहला है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर है ये बोला मैक्सवेल प्लैंक्स ने, ये थ्योरी आपने क्वांटम थ्योरी में पढ़ चुके हैं आप लोग। ये है आपका पार्टिकल नेचर जो बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। देखिए किस तरीके से जो मैटर है वो बिहेव करता है, आपको दिखाता हूं। ये सपोज आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। इसके अंदर ये जो आपका वेव है, जो पार्टिकल है, ये मैटर है, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से। इसके अंदर ये पार्टिकल जिगजैग मोशन में होते हैं, इस तरीके से ये मूव करते रहते हैं और ट्रफ और क्रस्ट को फॉर्म करते हैं। इसके अंदर आपको ये पता है ये एम्पलीट्यूड होता है, इसके और इसके बीच की जो चीज है वो होती है वेवलेंथ। क्लियर? ठीक। ये किसने बोला था? मैक्सवेल प्लैंक्स ने। और इसकी जो एनर्जी होती है वो बोली मैक्सवेल प्लैंक्स ने E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम जब वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है E एस सी बाय लैम्डा। ये हो जाती है इक्वेशन वन आपकी। क्लियर? दूसरा जो पार्टिकल नेचर है जो बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन की आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबने पढ़ी होगी कि दुनिया में स्पीड से तेज कोई चलता नहीं है। वैसे एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, नाम है उसका टैकियन, वो एक हाइपोथेटिकल है कि उसे बोला गया कि इन केस अगर कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज चला तो उसे बोला जाता है टैकियन पार्टिकल, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, एक इक्वेशन दी आपकी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन टू मान लेता हूं, उसको इक्वेशन वन बोल दिया मैंने। जो पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टीन, पार्टिकल किस तरीके से मूव करता है, ये सपोज एक पार्टिकल है, वो एक रैंडम मोशन मूव करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये था आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर, जो पार्टिकल है, जो मैटर है, वो आपका पहला वेव नेचर में फॉर्म करता है, दूसरा आपका पार्टिकल नेचर में। तो इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, इक्वेशन वन। क्लियर? उसके बाद इन थ्योरीज के बाद आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली ने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दिया और एक नई इक्वेशन बना दी जिसको बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए दिखाता हूं मैं आपको डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए जो मैक्सवेल प्लैंक्स की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको फर्दर मॉडिफाई करके एस सी बाय लैम्डा में दे दिया गया, तो ये इक्वेशन बन गई वन। सेकेंड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये थी इक्वेशन सेकेंड। अब डी ब्रोगली ने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, फ्रॉम वन एंड टू करके एक नई इक्वेशन बना दी जिसको बोल दिया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर डी ब्रोगली इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन थी ये वाली, इसकी इक्वेशन थी ये वाली, एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां सी सी कट गया, सी इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज का नाम है क्या, स्पीड ऑफ लाइट, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इस लैम्डा को इधर ले आता हूं, एम सी को इधर ले आता हूं, तो लैम्डा हो गया मेरा एस सी एच अपॉन एम सी। ये जो इक्वेशन बनी, क्योंकि इसमें सी वर्ड यूज हो रहा है, तो ये किसके लिए बनी भाई, बस लाइट के लिए, किसके लिए, फॉर लाइट, लाइट रेडिएशन, क्वांटम, किसी के भी कह सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं इसको, फोटोन भी कह सकते हैं, ये सारी चीजें एक ही होती है। फिर बाद में इसी इक्वेशन को साउंड के लिए या फिर और किसी चीजों के लिए यूज करा गया तो भी ये इक्वेशन उसके लिए वैलिड थी। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पे सी को रिप्लेस करके वी लगा दूं, मतलब वेलोसिटी लगा दूं किसी भी चीज की, तो भी ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी, एच अपॉन एम वी। अब यहां पे जो m है वो, सॉरी v है, वो किसी के लिए भी वैलिड हो सकता है, स्पीड ऑफ साउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये हो गई इक्वेशन आपकी a, मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, इक्वेशन a। इसके अंदर अब ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv,
एमवी मास इनटू वेलोसिटी आपका होता है मोमेंटम। अगर किसी भी कोई बॉडी है, सपोज मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का मास 70 किलो है, मैं किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तो भाई उस मेरी बॉडी की उस समय एक मोमेंटम होगा। मास और वेलोसिटी अगर किसी भी बॉडी के पास है तो उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होती ही होती है। तो यहां पे तो इक्वेशन में दिख गया हमें कि भाई इसमें मोमेंटम दिख गया, लेकिन इसके बाद जो डी ब्रोगली ने इसी इक्वेशन को और मॉडिफाई करा और इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लेके आया। देखिए किस तरीके से लेके आ गया, ये इक्वेशन ड्राइव कर रखी थी इसने। सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया स्क्वायर, ये एच स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्लियर। अब इसी इक्वेशन में इसको 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी इसने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया नीचे, फिर ये वाला जो डिवाइड है वो मैंने ये लिख दिया, यहां हो गया एम वी स्क्वायर और इसका जो एक और एम था उसको साइड ले लिया मैंने और नीचे 2 ले लिया। तो आपने देखा कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 2 एम को नीचे भेजा मैंने और ये वाली चीज हो गई ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट, इसको डाल दिया मैंने इसमें, क्लियर। अब स्क्वायर को इधर फेंका तो मैंने रूट में हो गया कन्वर्ट, ये स्क्वायर था तो रूट के बाहर आ गया एच और ये वाली चीज है वो पूरी की पूरी रूट के अंदर हो गई। तो ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये इक्वेशन एक मॉडिफाइड इक्वेशन है किसकी, डी ब्रोगली, क्लियर, ये एक मॉडिफाइड इक्वेशन है। Modified equation of डी ब्रोगली, क्लियर। तो इस अगर मैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं 2 फॉर्मुलेस पे इसके बेसिकली न्यूमेरिकल करूंगा। सबसे पहला इक्वेशन ये जिसके अंदर मास और वेलोसिटी गिवन दे रखी होगी, दूसरा आपका जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी। तो आपको देखना है जब आप न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है, मास और वेलोसिटी है तो ये वाला लगा दो जी, उसी के अंदर अगर लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे दिया तो फटाक से निकाल दो भाई कौन सी, डी ब्रोगली की मॉडिफाइड इक्वेशन। तो देखिए डालते हैं नेक्स्ट में, सपोज ये क्वेश्चन है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। पहला, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल जिसका मास है 0.1 केजी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी तो मॉडिफाइड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते इसकी, क्लियर। नॉर्मल वाली करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, क्लियर। यहां पहले लिख लेते हैं जो मास है वो है 0.1 केजी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और यहां जो निकालना है मुझे वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, तो फॉर्मूला हो गया जी मेरा ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, क्लियर। एच की वैल्यू कितनी है जी, 6.62 × 10⁻³⁴ यूनिट होती है जूल सेकंड, क्या होती है जूल सेकंड। मास है यहां पे हमारा 0.1 और वेलोसिटी है 10, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा तो 1 आ गया, ऊपर आ गया आपका 6.62 × 10⁻³ क्योंकि वेवलेंथ निकाल रहा हूं तो यहां हो जाएगा मेरा मीटर में। ये है वो वेवलेंथ जिससे आपकी बॉल भाग रही है, क्लियर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये दे रखा 9.1 × 10⁻³ है, 10⁻³, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3.0 × 10⁻²⁵ जूल। आपको निकालना है क्या, वेवलेंथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो भाई आपको पता है कि मॉडिफाइड इक्वेशन लग गई इसके अंदर, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सपोज कहता हूं मैं पहले गिवन सारी चीजें लिख लेता हूं, यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME दे देता हूं, उसका नाम ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ME 9.1 × 10⁻³ केजी, क्लियर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई हमारी, के डॉट ई 3 × 10⁻²⁵ जूल। आपको निकालना है जी लैम्डा, ठीक है लैम्डा। तो इक्वेशन मॉडिफाइड डालता हूं, इक्वेशन थी ये एच अपॉन 2 एम, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, ठीक। और ये होता है अंडर रूट में, क्लियर। एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻³
टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25, क्लियर। ये और ये आपका अंडर रूट में है, कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए ठीक है, ये आपका लैम्डा निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देना आप, तो इसकी वैल्यू जो है 6.62610 की पावर माइनस 34, ये हो जाएगा आपका 56 का ऊपर हो जाएगा ये, तो इसको बाहर निकाल दूंगा 10 की पावर को, ये 56 हो जाएगा अंडर रूट में, बाहर निकाल दूंगा माइनस 28, ऊपर भेज दूंगा प्लस 28 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा 54.6, क्लियर, और ये होगा अंडर रूट में, क्या होगा अंडर रूट में, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मैं किस तरीके से निकालता हूं, अगर मैं 7 का स्क्वायर लू 8 का स्क्वायर लू तो ये हो जाता है मेरा 49, ये हो जाएगा 64, ये जो वैल्यू है लाई कर रही है इसके बीच में, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो लाई करेगा 7.38 समथिंग, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप और निकल जाएगा हमारा प्यारा सा लैम्डा जो मीटर में आएगा, क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा इजीली हो जाएगा, क्लियर। ये है आपका डी ब्रोगली का सेकंड क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए डी ब्रोगली का ये आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं होमवर्क के तौर पे, थर्ड और फोर्थ बहुत इजी है, एक तो उसमें ऐसा ही है जो पहले करा रखा था वो गलती से टाइप हो गया, लेकिन आप उसे फिर भी कर लीजिएगा ट्राई करके, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं ठीक, कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है इसके अंदर, थर्ड वाला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसको मूव कर रहा है वेलोसिटी से, ये वाला, ये इसकी वेलोसिटी है और ये 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर ठीक, और इलेक्ट्रॉन है तो मास पता ही होगा एमई 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी, क्लियर ठीक। फिर फोर्थ है, फोर्थ वाला ऐसी क्वेश्चन था जो भी कराया था मैंने, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है ये, उसी काइनेटिक एनर्जी, ये सिमिलर है बिल्कुल ही ठीक है, और इसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो आप डी ब्रोगली इक्वेशंस की न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर लेंगे, 2 से 3 नंबर का इसका न्यूमेरिकल आता है, एक आता है इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांक्स और अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे ये आपके, और थ्योरी भी बहुत शानदार दी इन्होंने, ड्यूअल नेचर बताया मैटर का, कि मैटर जो होता है वो दो तरीके से मूव करता है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है उसका वेव नेचर, इस तरीके से इन्होंने डी ब्रोगली की इक्वेशंस को और मॉडिफाई किया, आपने देखा किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हमने, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए, तब तक के लिए टेक केयर।